बिहार बीजेपी में सीएम की उम्मीदवारी के लिए मारामारी। राजपूत भूमिहार कोइरी यादव, किसको मिलेगी जिम्मेदारी? दावा पर दावा ठोक रहे बीजेपी के ये सब नेता। भले ही अभी लोकसभा का चुनाव सामने है, लेकिन बिहार में बात विधानसभा चुनाव की होने लगी है। लोकसभा चुनाव के एक साल बाद 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा। इस चुनाव में बीजेपी किसे सीएम का उम्मीदवार बनाएगी यह अभी तय नहीं है, लेकिन नेता अभी से बेचैन हैं, दावा पर दावा ठोके जा रहे हैं। इस रेस में राजपूत भूमिहार यादव और कोइरी जाति के नेता आगे हैं। चलिए बताते हैं कौन कौन नेता सीएम बनने का सपना देख रहे हैं। दरअसल बिहार में अभी बीजेपी के पास खास कोई चेहरा नहीं है। एक समय में सुशील कुमार मोदी बिहार में बीजेपी को लीड करते थे, लालू यादव से सीधा टकराते थे, राजद को सत्ता से दूर करने में उनका योगदान मुख्य था, नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते थे। शायद इसी के कारण 2020 चुनाव के बाद उन्हें बीजेपी ने बिहार से निकालकर केंद्र में भेज दिया, राज्यसभा से सांसद बनाया गया। इस दौरान नित्यानंद राय बीजेपी आलाकमान के काफी नजदीक हो गए, पीएम मोदी और अमित शाह के भरोसेमंद बने। बिहार बीजेपी में नित्यानंद राय की बातें चलने लगी, लोग कहने लगे कि नित्यानंद राय को बिहार में बीजेपी चेहरा बना सकती है, क्योंकि बिहार में यादवों की सबसे अधिक आबादी है, यह राजद के कोर वोटर माने जाते हैं, बीजेपी इसे तोड़ने की कोशिश करेगी। लेकिन नित्यानंद राय यादवों को बीजेपी की तरफ उतना खींचते हुए नजर नहीं आए। हालांकि नित्यानंद राय अभी भी सीएम उम्मीदवार के रेस में बने हुए हैं। सुशील मोदी को बिहार से हटाकर बीजेपी ने नया प्रयोग किया, दो ऐसे चेहरों को डिप्टी सीएम बनाया गया जिसे पूरा बिहार भी ठीक से नहीं जानता था। लेकिन तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी का प्रयोग सफल नहीं हो सका। तारकिशोर प्रसाद रेणु देवी बिहार की राजनीति में अपना चेहरा स्थापित नहीं कर पाए और नीतीश कुमार से सुमो जैसा तालमेल भी नहीं बना सके, जिसका नतीजा हुआ कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर से एनडीए का साथ छोड़ दिया और महागठबंधन में चले गए। इसके बाद बीजेपी ने भूमिहार जाति से आने वाले विजय सिन्हा को विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष बनाया, साथ में कोयरी जाति के सम्राट चौधरी विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष बने। बीजेपी फिर एक नए प्रयोग में लगी, नीतीश कुमार के लौकुश समीकरण तोड़ने का प्लान तैयार हुआ। इसी के तहत कुश से आने वाले सम्राट चौधरी को बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। सम्राट चौधरी के अध्यक्ष बनते ही पटना में पोस्टर लगने लगे कि बिहार का योगी आ गया। चौधरी ने भी इशारों ही इशारों में सीएम पद की दावेदारी ठोक दी। एक कार्यक्रम में चौधरी बोले कि राम के वंशज ही बिहार का नेतृत्व करेंगे, यानी कि कुशवाहा जाति का कोई नेता बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। हालांकि लौकू समीकरण को तोड़ने के लिए उपेंद्र कुशवाहा पर भी बीजेपी की नज़र है। सम्राट चौधरी राजद जदयू के रास्ते होते हुए बीजेपी में आए हैं। बीजेपी के प्लान को सम्राट सफल कर पाते हैं या नहीं, यह उनके दावेदारी को कमजोर और मजबूत बनाएगा। सम्राट चौधरी के साथ साथ विजय सिन्हा के नाम की भी चर्चा है, क्योंकि विजय सिन्हा संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, साथ में भूमिहार जाति से हैं, जो कि बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं। सिन्हा की छवि भी अच्छी है, नीतीश कुमार पर कड़क बोलते हैं, लेकिन इनके लिए राह इतना आसान नहीं है, क्योंकि यह लखीसराय क्षेत्र से हैं, जहां पर बीजेपी की लड़ाई जदयू के अध्यक्ष ललन सिंह से है। ललन सिंह को हराने में विजय सिन्हा की क्या भूमिका रहेगी, यह काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसका असर सीएम उम्मीदवारी के रेस पर देखने को मिलेगा। अब आते हैं राजपूत दावेदार पर। पिछले चार दिनों के अंदर बिहार में सबसे अधिक राजीव प्रताप रूडी की चर्चा हुई है। छपरा के शासन ने जिस तरह से भाषण दिया और कहा कि वो गरीबों का नेतृत्व करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बिहार में राजनीति करेंगे, मेरे सहयोग के बिना 2025 में बिहार की सरकार नहीं बन पाएगी। बातों ही बातों में रूडी ने भी अपनी दावेदारी पेश कर दी। रूडी जिस जाति से आते हैं उसका बिहार की राजनीति पर बहुत प्रभाव है। राजपूत जाति को कोई भी पार्टी नाराज नहीं करना चाहती है, जदयू राजद बीजेपी सब चाहते हैं कि ये हमारे साथ खड़ा रहें। अब देखना होगा कि रूडी की दावेदारी में कितना दम है, 2025 में बीजेपी कौन सा दाव खेलेगी, नीतीश के लौकुश को तोड़ेगी या राजद के एमवाई में सेंध डालेगी या फिर
अपने वोट बैंक को टाइट रखेगी, ये तो समय बताएगा। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।